साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन देखने वाले हैं कि बकरी में इंजेक्शन लगाने का सही तरीका क्या होता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अपन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इन गोट, यानी बकरी की चमड़ी में लगने वाले जो इंजेक्शन होते हैं उनको लगाने का सही प्रोसीजर, सही तरीका क्या होता है। किसी भी इंजेक्शन को लगाने से पहले या किसी भी ट्रीटमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करने से पहले अपने को एनिमल को प्रॉपरली रिस्ट्रेन करना होता है, जिससे कि अपना जो प्रोसीजर है वो प्रॉपरली अपन इफेक्टिवली कर सके। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें जब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं अपन गोट में, तो सबसे पहले नेक एरिया की लूज स्किन का फोल्ड बनाना होता है। उसके बाद में इस प्रकार से नेडल प्रिक करके बैक पुश करना होता है, कहीं ये इंजेक्शन आईवी तो नहीं लग रहा, ये चेक करने के लिए अपन बैक पुश करते हैं। उसके बाद में स्लोली ये ड्रग अपन इंजेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये तरीका होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाने का। इसके बाद में अपन देखने वाले हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन गोट, यानी बकरी के मांस में लगने वाला जो इंजेक्शन होता है उसको लगाने का सही तरीका क्या होता है। तो दोस्तों इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन लगता है वो मांसपेशियों में लगने वाला इंजेक्शन होता है। इसके लिए जो लार्ज मसल्स होती है, यानी नेक रीजन का जो मिड वाला एकदम सेंटर का जो एरिया होता है, उसमें अपने को इंजेक्शन लगाना होता है। इंजेक्शन लगाने से पहले अच्छे से अपने को मस्कुलर पाल्पेशन करना होता है, मसल्स का पाल्पेशन करना होता है। उसके बाद में सॉफ्टली जेंटली तरीके से ये इंजेक्शन अपने को लगाना होता है। इसमें भी अपन बैक पुश करके चेक करते हैं कहीं ये इंजेक्शन अपने को आईवी तो नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार की सावधानियां रखते हुए अपन ये इंजेक्शन आसानी से लगा सकते हैं। इसके साथ में देखिए दोस्तों, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग और पोस्ट ऑपरेटिव जो वंड होता है उसकी कैसे की जाती है। यहाँ पे देखिए, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले जो सूचर लाइन होती है जहाँ पे टांके लगाए गए हैं उसको अच्छे से साफ करना होता है। इसको साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक लोशन अपन काम में ले सकते हैं। यहाँ पे लिक्विड पोविडिन आयोडीन अपन यूज मिली है, जिसको कॉटन गोज की सहायता से अच्छे से अपने को जो सूचर लाइन होती है उसको साफ करना होता है, ताकि किसी प्रकार के पस फॉर्मिंग बैक्टीरियाज वहां पे ग्रो नहीं कर पाए। किसी प्रकार की डर्ट अगर वहां पे है तो वो साफ हो जाए। तो यहां पे लिक्विड पोविडिन आयोडीन से अपन ने इस तरीके से इसको अच्छे से साफ करवाया है। उसके बाद में दोस्तों इस पर अपन ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। ऑइंटमेंट लगाने के बाद में इस पर अपन बैंडेजिंग कर देंगे। तो यहां पे देखिए दोस्तों, लिक्विड पोविडिन आयोडीन से अच्छे से साफ किया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अपन ऑइंटमेंट इस पर लगा देंगे। तो यहाँ पे गामा बेंजीन का ये ऑइंटमेंट जो आता है उसको अपन ने लगाया है, ताकि इसकी जो हीलिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो सके और किसी प्रकार की डर्ट, किसी प्रकार का इन्फेक्शन इसमें ग्रो ना करे, और इसका जो सूचर लाइन है वो सॉफ्ट बनी रहे, किसी प्रकार का खिंचाव इसको महसूस ना हो, किसी प्रकार का दर्द इसको महसूस ना हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ने देखा है कि बकरी में इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे की जाती है। धन्यवाद।